बस पुत्र। हाँ जी। आह पुत्र, ये दरवाजा नहीं खुल रहा पुत्र, खराब हो गया। आए रब्बा, कमर का कचूमर बन गया। मीरे जल्दी आइयो। हाँ हाँ बेटा रे। भगवान, काश रब मुझे तेरे जैसा बेटा देता। इस उम्र में पॉसिबल नहीं है आंटी, यहाँ पर दामाद मिल सकता है मेरे जैसा। बेटी है कोई लड़की? आ जा पुत्र, टेबल पे रख दे। हाँ तारा, ओ तारा। आई माँ। मेरे गोंडे गए। तुम जिसे ढूंढा गली गली, वो शर्ट फटे में मिली। यहाँ क्यों आए हो? मैं बताती हूँ। शर्ट के बटन सिलवाने? ये कोई दर्जी की दुकान है? तमीज नहीं है जरा भी? तुम्हें बड़ी तमीज है, लेडीज के घर में शर्ट खोल कर घुसते ही चले आ रहे हो। और कहाँ जाऊँ, तुम्हारी माँ ने फाड़ी मेरी शर्ट। शट अप। इस उम्र में माँ को क्या जरूरत की तेरे कपड़े फाड़ेगी। मैं बताती हूँ, मैं मार्केट गई थी, धूप तेज थी, बेहोशी में चक्कर खा के गिर रही थी। मेरा हाथ इसकी शर्ट में फंस गया, बेचारे के सारे बटन टूट गए। और ये अन्ना शरीफ बंदा मुझे घर तक लेके आया। इसे चाय शायद पानी पूछने के बजाय तो आप गर्म हो रही है। और क्या आंटी, ये कोई बात हुई? हाँ। अब शर्ट निकालू या छाती से लग के सिलोगी? बाल है तेरे। अपनी शर्ट वही रख दो, एक दो दिन में ठीक करवा दूंगी। कैसा लग रहा हूं? क्या आंटी, फिर से चक्कर आया क्या? इसके पापा की याद आ गई, वो भी बिल्कुल तेरे ही जैसे हैंडसम दिखते थे इस शर्ट में। अब नहीं दिखते क्या? ऑफ हो गए ना, उन्हीं की तो पुरानी शर्ट है ये। ओ सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं था। सिंपति मत दिखाओ, अब निकलो यहाँ से। क्या मिर्ची हो यार तुम, हर बात पे आग उगलती हो। ओके बाय, वेरी पोना आंटी। खुश रहे, आता रहना पुत्र। आऊंगा ना? हाँ। ना ना ना। एक बात बोलूं प्यूड़ी, मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। डिस्को चलोगी मेरे साथ? बेशरम। मैडम तारा शर्मा। इट्स देयर। हाय। तुम? वेल, कुतुब मीनार दिखता है यहाँ से? अंदर कैसे आए तुम? दरवाजे से। तेरी शर्ट तो घर पे है। अरे ले लूंगा शर्ट, जल्दी क्या है, अभी तुम्हें कुछ बताना है। क्या? आई लव यू। व्हाट? माँ कसम, हालांकि माँ को कभी देखा नहीं है, पर तुम्हें जब से देखा है ना, सोते जागते बस तुम ही तुम दिखती हो। और आज मैं अपनी दिल की बात यहाँ से कह के ही जाऊंगा। एक मिनट है तेरे पास? बहुत है। Your time starts now. मेरा नाम बबली है, थोड़ा अजीब नाम है पर यही है। मेरे माँ बाप नहीं है ना, इसे सरनेम नहीं है। जय हिंदनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूं, आठवीं तक स्कूल गया पर पढ़ा क्या याद नहीं, लेकिन टॉप क्लास मैकेनिक हूं जी, A1 बेस्ट क्वालिटी। आज तक मैंने एक ही इंसान से प्यार करा है, खुद से, पर अब तुमसे भी करूंगा और पलंग तोड़ प्यार करूंगा जब तक तुम थक के बस ना बोल दो। टिट्टू के साथ रहता हूं, बड़ा प्यारा बच्चा है, हमारा अनाथ आश्रम बहुत बड़ा है, शादी के बाद तुम आराम से रह सकती हो, रोटी मिलकर बना लेंगे, वरना मास्टर जी तो है ही। हाँ दो बच्चे चाहिए मुझे, एक तुम जैसी सुंदर लड़की और एक मेरे जैसा रौबदार हैंडसम लड़का। नाम होंगे रेखा और अमिताभ, दोनों ही मेरे फेवरेट है। हैं साला। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं वो नसबंदी कर लूंगा। बस बस बस, थोड़ा वल्गर नहीं हो रहा? ओ
मैं 2 मिनट में आया हाँ 2 मिनट्स सिक्योरिटी मैं मैनेजर तारा शर्मा बोल रही हूँ 8th फ्लोर पे आ जाओ अभी हे गाइस लिसन अप इधर आओ ना इधर आओ मुझे कुछ कहना है इनसे मिलो इनका नाम है बबली इनके माँ बाप नहीं है इसलिए सरनेम भी नहीं है है ना 8वीं तो पास कर नहीं पाए और अनाथ आश्रम से उठकर आगे मुझसे शादी करने पता है इन्होंने हमारे बच्चों के नाम तक सोच लिए मैडम क्या हुआ मैडम तू समझता क्या है अपने आप को कभी अपनी शक्ल भी देखी है सड़क छाप मैनरलेस लोफर लगता है तूने मुझे एक दिन देख क्या लिया सोचा कि आई लव यू बोल देगा और मैं तेरी हो जाऊंगी हाउ डेयर यू सिक्योरिटी से अभी निकालो यहां से जस्ट गेट हिम आउट जस्ट गेट हिम आउट कचरा कर दिया ना मेरी मोहब्बत का लेकिन अब भी मुस्कुरा रहा हूं मैं पूछ क्यों क्योंकि तू बेशरम है अब मैं जो हूं सो हूं लेकिन तुम अभी बच्ची हो बड़ी हो जाओ जल्दी जिंदगी बितानी है तुम्हारे साथ ब्राउन ब्रेड लेना चाहिए ओ ठीक है ब्राउन ब्रेड हमें ही टूट रही है ओ बचपन से व्हाइट ब्रेड खा हाय हाँ जल्दी चलो ओ चल तुम घोड़ी थोड़ी ना हो कि दौड़ने लगूंगी ओ बबली पुत्र मेरी पौना आड़ी जींदा रे पुत्र झोला मैं ले लेता हूँ नो नीड और तू पीछा करना बंद कर मेरा समझे पीछा पीछे से करते हाँ। मैडम मैं सामने से आया हूँ हाँ मैंने हेल्प मांगी तेरी मैंने हेल्प करी तेरी मैं आंटी से बात कर रहा हूँ हेल्प ही कर रहा है बेचारा आई हेट यू मॉम ना फिर चिढ़ गई अभी मान जाएगी तारा तेरी कार चंडीगढ़ में है हाँ। देखा बोला था ना अरे जादू है तेरी बातों में पुत्र नहीं आड़ी ये कोई मजाक है नहीं आंटी की कसम तेरी कार वाकई चंडीगढ़ में है तारा साथ चल तो वापस दिलवा सकता हूँ लेकिन पुत्र तुझे कैसे पता कि कार चंडीगढ़ में है पता किया है मैंने हा? अपनी सेटिंग है आंटी कैसी सेटिंग तुझे बताया था ना कि कार मैकेनिक हूँ मैकेनिक कार चोर स्पेयर पार्ट डीलर सब आपस में मिले हुए होते हैं सब पता चलता है हमें तो पुलिस को क्यों नहीं पता चलता पुलिस जो चोर वही चौकीदार उनको तो कमीशन मिलता है ना वो क्यों ढूंढेंगे तेरी कार साले सब करप्ट है आंटी बिल्कुल मैं क्यों भरोसा करूं तुम पर मत कर इंश्योरेंस तो मिल ही जाएगा है ना आंटी मैं तो एम ही आ गया तेरा भला करने वो बचपन में सीखा था ना कि जो कुछ करते हैं उसका हमारे साथ ठीक उल्टा ही होता है भला करो तो लाभ होगा दया करो तो लोग याद करेंगे माने भला लाभ दया याद समझी बेटी तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो इश आंटी के सामने नहीं बोल सकता बेशरम मत चल